DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। आज जो वीसी हुई है उसमें बेसिकली ब्लॉक CMHO है वहाँ तक वीसी हुई है और उनसे बात करने का भी मुख्य उद्देश्य था कि ब्लॉक पे क्या मॉनिटरिंग हो रही है, क्वारंटाइन कैसे हो रहे हैं, चेकिंग कैसे हो रही है लोगों की जो बाहर से आ रहे हैं प्रवासी। अभी तक जो मेन चीज़ है इसमें कि एक तो कई गलतफहमी ये हो रही है कि भाई अब सब कुछ खुल गया, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खुल गया। जो निगेटिव लिस्ट में भारत सरकार की में वो बिल्कुल निगेटिव हैं, वो बंद रहेंगे। जैसे 144 धारा है वो यथावत रहेगी, 5 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा जो मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे, सार्वजनिक स्थल है, धार्मिक स्थान हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वो सब बंद रहेंगे। पान गुटखा वगैरह पे बेचने पे पूरी पाबंदी रहेगी, तो वो निगेटिव लिस्ट पूरी तरह से है ना यथावत रहेगी, उसमें कोई छूट नहीं है। जोन जो अलग अलग है, रेड जोन में जो पाबंदी है वो जो 11 मई को जो पाबंदियाँ थी रेड जोन में उन पे अभी भी रहेगी। ग्रीन में जो छूट है वो लागू रहेगी और ऑरेंज में भी जैसे कुछ आधी छूट है आधी नहीं है वो भी लागू रहेगी। कर्मचारियों के बारे में ये कि रेड जोन में जो है वहाँ 50% कर्मचारी कार्यालय में आएंगे, ऑरेंज में 75 है और जो ग्रीन है उसमें 100% है, उसमें वो आ सकते हैं। तो ये तो प्रतिबंधों की बात है। अब इसके अलावा कुछ आगे की जो रणनीति है उस पर भी बात हुई है और रणनीति में मूल ये कि क्वारंटाइन जो कर रहे हैं और कंटेनमेंट जो जोन है उसको बेसिकली मॉनिटर करना है। कंटेनमेंट जो है उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको बिल्कुल फोकस्ड करके और सभी DMs को उस पर मॉनिटर करना है। कर्फ्यू का जो एरिया है कर्फ्यू को एनफोर्स करना है और बिल्कुल सख्ती से उसमें रखना है जहाँ कर्फ्यू है, क्योंकि जिससे बाहर और नहीं फैले। इसके अलावा इसका प्रचार प्रसार भी करना है और घर घर जो सर्वे वगैरह है वो भी जाके टीम्स को करना है। इसके अलावा जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उन पर मॉनिटर बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि प्रवासियों के कारण ही बहुत ज़्यादा लोग वापस हो रहे हैं पॉजिटिव। अभी तक राजस्थान के 17 ज़िलों से 953 लोग पॉजिटिव आ गए प्रवासियों में से, और राजस्थान में करीब 8 लाख प्रवासी आ चुके हैं और अभी 3 से 4 लाख और आएंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है प्रवासियों के ऊपर। इसके साथ ही जो पहले की वीसी में भी ये बिंदु आया था और अभी भी है कि और जो दूसरी बीमारियां हैं उनको नहीं छोड़ना, इसके साथ कि उनका इलाज नहीं करें केवल कोरोना पे रहें, उसमें बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड जो कोविड सेंटर है कोरोना के वो अस्पताल अलग हैं और दूसरे अस्पताल अलग हैं, जिससे कि दूसरी बीमारी के लोग डर के, और ऐसा नहीं हो कि वो जाएंगे नहीं कि कोरोना के डर के मारे, तो दूसरी अस्पतालों में जो कोरोना के अलावा है उनमें रेगुलर सर्विसेज रहेगी। और जो रेगुलर कार्यक्रम है, टीकाकरण का कार्यक्रम है, शिशु और मातृ कल्याण के जो है योजना का कार्यक्रम है, TB का जो इलाज है उसका है वो सब यथावत तो रहेंगे। OPD वैन बाहर के लिए गवर्नमेंट ने करीब 500 के करीब चला रखे, तो उससे क्या है कि बाहर जाके भी जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ जाके भी लोगों का इलाज कर सकते हैं। नहीं, ईद पर कोई सुझाव वाली बात नहीं है, कोई धार्मिक त्यौहार है कोई बात है उसमें नहीं, कोई बात नहीं हुई। जो रेस्ट्रिक्शन है जो धार्मिक स्थलों पर जाने का है, जो पाबंदी पहले से लग रही है वो यथावत रहेगी, उसमें कोई छूट नहीं रहेगी।